दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मजदूरों का जो पेमेंट शासन स्तर से होता है और किसी कारणवश वह यदि रिजेक्ट हो जाता है, हालांकि शासन स्तर से उसे फिर से जारी किया जाता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे चेक करें कि आपका पेमेंट अर्थात FTO फिर से जारी हुआ या नहीं। यह जो पेमेंट रिजेक्ट होता है, मनरेगा की भाषा में इसे रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन कहा जाता है। और यदि हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो जो मजदूरों के रुके हुए पेमेंट है उसका आंकड़ा करोड़ों में है। हालांकि शासन स्तर से अधिकारियों पे लगातार प्रेशर बना हुआ रहता है कि आप रुके हुए पेमेंट को तत्काल फिर से FTO जनरेट कर भुगतान करें। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ा सी जटिल होती है, क्योंकि इसमें बार बार मजदूरों को तथा हितग्राहियों को बैंक से संपर्क करना पड़ता है और बैंक वालों को तो आप जानते ही हैं। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आपको मैं इस डेमो वीडियो के बारे में बताता हूं। जब आगे आप इस डेमो वीडियो को देखेंगे तो जिन मजदूरों का पेमेंट फिर से FTO जारी करके कर दिया जाता है, तो ये इस प्रकार के नीचे एक हरे कलर का पैनल दिखने लगता है, जिसमें उसके नए जारी हुए भुगतान के वेज लिस्ट और FTO नंबर प्रदर्शित होने लगते हैं। और यदि भुगतान की प्रक्रिया प्रोसेस में रहती है तो यह पीले कलर का पैनल प्रदर्शित होने लगता है, और यदि फिर से भुगतान करने की प्रक्रिया प्रोसेस में नहीं आई है तो इस प्रकार केवल लाल कलर का पैनल ही दिखता है। रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के बहुत सारे कारण रहते हैं, इस संबंध में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया था। प्लीज आप रीजेनरेट FTO की प्रोसेस को समझने के पहले इस वीडियो को देख लें तो यह काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यह वीडियो मैं श्री जसवीर सिंह चौहान, जो कि देहरादून के पाटा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, उनके रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं। ये देखिए जो एक पीछे फिल्म दिख रही है, यह इनके घर गांव की है। देखने से एक छोटा मोटा हिल स्टेशन लगता है, आप एक बार जरूर इनके घर गांव घूम के आइए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम यह डेमो वीडियो प्रारंभ करते हैं। परंतु उसके पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो देखते समय यदि आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न और क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। सबसे पहले गूगल ब्राउजर पे आप सर्च करिए narega.nic.in। तत्पश्चात आप MG नरेगा पे सिंगल क्लिक करें। उसके पश्चात आप स्टेट पे क्लिक करें। स्टेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सभी स्टेट्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। आप जिस भी स्टेट का रिजेक्टेड पेमेंट देखना चाहते हैं उस स्टेट पे आप क्लिक करिए। मैं उत्तराखंड पे क्लिक करता हूं। अब आप यहां से आप मेरा वीडियो जरा केयरफुली देखिए। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और अपनी ग्राम पंचायत में नहीं जाना है। यहीं पे देखिए लिखा हुआ दिख रहा अकाउंट्स एंड EFMS। इस पे आप दूसरे नंबर पे देखिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर नीले अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें आप FTO स्टेटस पे क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात उस स्टेट्स के सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं देहरादून पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप मेरा वीडियो और थोड़ा केयरफुली देखिए। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखा रहता है उस पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि जहाँ पे ये संख्या लिखी रहती है, देखिए यहाँ पे लिखा है 774, आप इस पे क्लिक करें। उस नंबर पे क्लिक करने के बाद जितने भी FTO रिजेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। आप जिस व्यक्ति का भी नाम देखना चाहते हैं उसे कंट्रोल F दबाकर सर्च करिए। मैं प्रेम सिंह का नाम सर्च करता हूँ। देखिए केवल PREM लिखने के बाद ही प्रेम सिंह का नाम हाईलाइट हो जाता है। ये देखिए 27 नंबर पे प्रेम सिंह का नाम दिख रहा है। इसमें आप तीसरे नंबर कॉलम पे जिसे हम रेफरेंस नंबर कहते हैं उस पे आप क्लिक करिए। देखिए क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का और पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पे आप भी केयरफुली देखिए, यह लाल रंग में दिख रहा है। लाल रंग में दिखने का मतलब यह रहता है कि उस व्यक्ति का जो FTO रिजेक्ट हुआ था वह फिर से रीजेनरेट नहीं हुआ है। अब हम बैक चलते हैं, आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आते हैं। देखिए 15 नंबर पे एक नाम दिख रहा अशोज देवी। हम इसके रेफरेंस नंबर पे क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद लाल रंग के एक पैनल बॉक्स के नीचे एक पीले कलर का भी पैनल बॉक्स दिख रहा। यहाँ पे आप 9वें नंबर कॉलम पे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है येट टू बी प्रोसेस। इसका मतलब यह होता है कि जो उसका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हुआ था उसे प्रोसेस में ले लिया गया है, अर्थात उसका FTO फिर से जनरेट करने की प्रोसेस चालू है। अब हम वापस बैक चलते हैं। यहाँ पे देखिए 16वें नंबर पे एक नाम दिख रहा संदीप। इसके रेफरेंस नंबर पे हम क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का और एक पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पे देखिए लाल कलर के पैनल के नीचे एक हरे कलर का भी पैनल दिख रहा। हरे कलर का पैनल यह दर्शाता है कि उसका जो FTO रिजेक्ट हुआ था वह फिर से जनरेट कर दिया गया। रिजेक्शन का कारण इनएक्टिव आधार था। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं। पहला मेरा नंबर कॉलिंग का है और दूसरा मेरा नंबर व्हाट्सएप का। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। We'll be right back.